नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। मुरादाबाद थाना छजलेट के इलाके गांव मथाना में हुए डबल मर्डर मिस्ट्री का एसएसपी बबलू कुमार ने पुलिस लाइन में आज खुलासा कर दिया है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि थाना छजलेट के गांव मथाना में शाम को घर से पशुओं के लिए चारा लेने निकले दंपत्ति की लाश गाँव के कुछ ही दूरी पर ईक के खेत में पड़ी मिली थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जब जांच की गई तो सामने यह निकला कि वारदात को राजेंद्र, वीरू, सचिन, गोलू, ब्रशपाल और माया चौहान द्वारा अंजाम दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। मृतक दंपत्ति के बड़े बेटे ब्रशपाल और उसकी पत्नी माया को लाखों रुपये की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही सास ससुर की हत्या के वारदात को अंजाम दे डाला, जिसमें दोनों की एक ही समय में गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि डबल मर्डर का मामला होने की वजह से वे खुद व एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्रा और सीओ काट के गौतम भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने देखा दोनों ही शव औंधे मुंह जमीन पर पड़े हुए थे। दोनों मृतकों के बेटे की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। 4 मार्च को हुए इस हत्याकांड के बाद सीओ काट के साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम को भी साथ लगाया गया था, जिसमें जांच के समय इस टीम को गांव का एक युवक गोलू लापता मिला और उसकी तलाश करते करते इस डबल मर्डर मिस्ट्री के रहस्य का बड़ा पर्दा भी उठता चला गया। गोलू के पकड़े जाने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उन्हें 4 लाख रुपए की सुपारी हत्या के लिए मृतक खान चंद्र के बेटे ब्रजपाल और उसकी बहू माया ने दी थी। मृतक दंपत्ति के नाम 6 बीघा जमीन थी, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए बताई जाती है। इस जमीन को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसएसपी ने बताया कि जब वह मौके पर गए तो उन्होंने देखा कि बेटे की आंखों में आंसू नहीं थे। उसी दौरान उन्हें उनके बेटे पर शक हो गया था। मृतक अपनी पत्नी के साथ छोटे बेटे के साथ ही रहता था। बेटे ब्रजपाल ने यह पूरी तरह मान लिया था कि इन दोनों के जिंदा रहते हुए वह 90 लाख की जमीन का सौदा नहीं कर सकता। तभी एक दिन ब्रजपाल ने वीरू और गोलू से मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें ब्रजपाल और उसकी पत्नी ने दंपत्ति को मारने के लिए 4 लाख रुपये की रकम तय की, जिसमें से 50,000 रुपये मर्डर की एडवांस सुपारी गोलू को दे दी गई थी। गोलू ने ही सभी साथियों को एकत्र किया और खेत में चारा लेने गए दंपत्ति की हत्या कर दी। एसएसपी ने बताया कि सभी हत्या आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके कब्जे से गमछा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने जब अपराधियों का इतिहास निकाला तो पता चला कि वीरू और पकड़े गए राजन पर दर्जन से अधिक आपराधिक मामले पहले से ही कई थानों में कई धाराओं में दर्ज हैं। देखिए, 4 मार्च को थाना छजलेट के मथाना गाँव में एक दंपति की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मेरे द्वारा एसपीआरए और क्षेत्राधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्काल उनके बेटे के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए और उस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सीओ कांट के नेतृत्व में थाने की और एसओजी सर्विलांस की हमारी टीमें लगा दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों व्यक्तियों की हत्या स्ट्रैंगुलेशन के कारण आई थी और इसके बाद हमारी टीमों ने मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के द्वारा आज इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्त और 2 साजिशकर्ता, कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी अपराधियों ने इस पूरी घटना को इकबाल करते हुए और उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त जो गमछा था जिससे गला दबाया गया था वो बरामद कर लिया गया है और पैसे जो है जो दिए गए थे वो बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक जो दोनों हैं दंपति, उनके बड़े बेटे ब्रजपाल और उनकी पत्नी ने, चूँकि उन्हें ज़मीन उनके हिस्से में जो आनी थी उसको बेचना था और इस कारण से उसने अपने माता पिता के
हत्या की सुपारी जो है अपने ही गांव के बगल के रहने वाले गोलू और उसके साथियों को 4 लाख में तय की थी, 50,000 रुपया एडवांस में दिया था और इस घटना को उस दिन कारित किया था। इन 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी और प्रभावी पैरवी कर इन सभी लोगों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। इस मौके पर SP ग्रामीण विद्यासागर मिश्रा, CO क्राइम भी मौजूद रहे। SSP बबलू कुमार ने टीम में शामिल सभी लोगों को अपनी ओर से 25,000 रुपये इनाम दिए जाने की घोषणा भी की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शहर और राज्य की हर बढ़िया खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।